देखिए 20 तारीख को फतेहपुर थाने में एक सूचना। राजी साहब, आज वाकई में गजब हो गया है, सच में पर्दाफाश कर दिया पुलिस ने। अब आप पूछेंगे कि शिवम ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तो सुनिए मामला क्या है। मामला सुनेंगे, उससे पहले बता देते कहीं पर बैठ जाइए, क्योंकि सुनने के बाद भाई साहब आप बेटों पर से भरोसा खो बैठेंगे। फिलहाल माफ कीजिएगा, पर ऐसा कहना पड़ रहा है, बेटे द्वारा साजिश कर अपने घर में चोरी करवा दी गई, तो फतेहपुर पुलिस ने इसका पर्दाफाश कर दिया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल टेबल पर रखा है कि कौन कौन से आभूषण और कौन कौन से कीमती सामान बरामद हुए। फिलहाल मामले की पूरी जानकारी बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय ने विस्तार पूर्वक दी है, तो क्या कह रहा है ये सुनते हैं। देखिए 20 तारीख को फतेहपुर थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवनारायण वर्मा, जो ग्राम खैरा के रहने वाले हैं फतेहपुर के, उन्होंने सूचना दी थी कि उनका लड़का दीपक दो मंजिला मकान के फर्स्ट फ्लोर पर सो रहा था और रात में बदमाश आए, उन्होंने लूटपाट की और उनके लड़के को रस्सी से चारपाई से बांध दिया था जिस पर वो सो रहा था और मुंह पर तौलिया बांध दी थी। ये घटना बड़ी गंभीर थी, जिसका निरीक्षण घटनास्थल करने के बाद इंस्पेक्टर फतेहपुर को उचित निर्देश दिए गए घटना वर्कआउट करने के लिए। एसपी नॉर्थ स्वयं उन्होंने वहाँ कैंप किया, सीओ फतेहपुर ने भी इसमें अपनी जो भी जानकारी थी उसका उपयोग करते हुए अनावरण का प्रयास किया। घटना पहले दिन से ही संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि ऊपर जाने का केवल एक ही रास्ता था और किसी प्रकार का दरवाजा टूटा हुआ नहीं था। यह भी जानकारी में आया कि दीपक, जिसको बांधा गया था, उसके अपने पत्नी से विवाद थे और जितने भी जेवर चोरे हुए वो सब पत्नी के ही थे जो उसकी ससुराल में थे, इसलिए भी शक गहरा हुआ। डिजिटली जब दीपक को देखने का प्रयास किया गया उसकी क्या एक्टिविटी थी, तो पाया गया कि घटना वाले दिन जब उसका कहना था कि वो चारपाई से बंधा हुआ था, उस दौरान भी वो फोन पर लगातार बात कर रहा था और उसकी लोकेशन घर पर नहीं थी बल्कि घर से काफी दूर थी, दूसरे टावर में थी। इस प्रकार से घटना पूरी तरह से संदिग्ध हो गई और उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि अपनी पत्नी का से विवाद था, इसलिए वो चाहता था कि पत्नी, ये तो जेवर चोरी होने के नाम पर पत्नी वापस आ जाए और यह उससे छुटकारा मिल जाए, और ये उसने स्वयं अपने आप को बांधा, अपने आप को इस प्रकार से करने के बाद अपने घर वालों को बताया। प्रथम दृष्टया ऐसा जानकारी हुई कि उसके घर वालों को भी शायद सच्चाई नहीं मालूम थी, क्योंकि उस लड़के ने ही अपने घर में छिपा हुआ माल बरामद किया, इसमें कैश और जितनी भी चीजें लिखवाई थी वो पूरा 100% रिकवरी हो गई है। एक बहुत बड़ा खुलासा है इसमें, जो वादी का लड़का है जो तथाकथित पीड़ित था वो अभियुक्त बन गया है और जेल भेजा जा रहा है। तो बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय की बातें सुनकर क्या पूरा माजरा भी समझ गए होंगे, पर भाई साहब लड़के की हिम्मत तो देखो, पुलिस को गुमराह करने चला था। पर कुछ भी कहिए, फतेहपुर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और एक बड़ा पर्दाफाश किया गया है। फिलहाल बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए और साथ ही बाराबंकी जनपद के पुलिस लाइन के लिए सत्येंद्र यादव की रिपोर्ट। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।